सिर्फ एक मिनट लूंगा आपका, मैं कुछ आंकड़ों से ही बात कर लेता हूं इसी विषय पर। पहले प्लीज बयान प्ले करिएगा। महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकालने का करके दिखाएंगे। यह मानता हूं कि महंगाई यदि बढ़ रही है तो इस गवर्नमेंट की रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन प्रमुख रूप से तीन कारण है जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है। इतना बड़ा चुनाव हुआ, एक बार भी रूलिंग पार्टी के किसी व्यक्ति ने महंगाई पर बोला क्या? किसी इंतोड़े वाले ने पूछा गया क्या महंगाई मुद्दा नहीं है, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है नहीं है? मैं हैरान हूं, मेरे देश का मीडिया को भी क्या हो गया? कम से कम वो तो जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई का मां तो बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, यही हमने नारे सुने थे। और आज मैं उदाहरण के तौर पर महंगाई दिल्ली में नहीं है क्या? महंगाई राजस्थान में नहीं है क्या? महंगाई छत्तीसगढ़ में है कि नहीं है? जब केंद्र की चुनाव होगी तो राज्य सरकारों में जहां जहां हमारी विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उन्होंने उस प्रदेश में क्या किया, प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया, एक मॉडल होगा। तो संदीप दुबे जी, जियो फॉर्मूले का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि भाई महंगाई तो दिल्ली में भी है, महंगाई तो महाराष्ट्र में भी है, महंगाई तो तमाम राज्यों में भी है जहां पे विपक्ष के राज्य हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यही फॉर्मूला तो आप 2014 से पहले कुछ और कहते थे। समय और परिस्थिति हर राष्ट्र की अलग अलग हर समय होती है, और उस आज की जो परिस्थिति और कल की परिस्थिति, मैं वैसे व्यक्ति नहीं हूं कि जो स्वीकार नहीं करता हूं। एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा उदाहरण संदीप दुबे जी, 2014 में 410 रुपए का था, आपके राज्य में अब तक रिकॉर्ड 1053 तक पहुंच चुका है। क्या इस तरह के मुद्दे चुनाव में प्रभाव डालते कि नहीं? मैंने इसलिए यह बयान आपको सुना है क्योंकि तब बेरोजगारी और देश में महंगाई मुद्दा हुआ करती थी, लेकिन आज मुद्दा है कि नहीं, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि महंगाई और बेरोजगारी, ये सारे विषय अलग अलग क्षेत्र वाइज हैं, प्रभावित डालते हैं, किसी को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। और प्याज 250 रुपए किलो पाकिस्तान में, भारत में यह स्थिति नहीं है, श्रीलंका की क्या स्थिति? आंकड़ों में कितनी सच्चाई है आप बता सकते हैं, क्योंकि आप आंकड़ों के माहिर हैं। साल 2021 में बेरोजगारी की वजह से लगभग 11,724 लोगों ने आत्महत्या की, 11,724 लोगों ने आत्महत्या की, और साल 2020 की तुलना में यह संख्या 26% ज्यादा है। रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी का कोई बात नहीं, तिलक जी सब आत्मनिर्भर हो रहे हैं। ये रिकॉर्ड आई है कहां से, सेंसेक्स है, हम लोग इसको लेके पूरी तरह से, दिल्ली में भी हुए, ऐसा नहीं हर स्टेट में हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी करवा रही, ऐसा नहीं है। ये सामूहिक प्रयास होने चाहिए, एक व्यक्ति आपके लिए जिएगा और आप उसका पैर खींचते रहो। बेरोजगारी मुद्दा होगा 2024 में कि नहीं, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए बहुत स्पष्ट मैं बात कहना चाहूँ, इस देश में बेरोजगारी हर सरकार के लिए चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बेरोजगारी को एक चुनौती के रूप में लेते हैं। और हमारे यहाँ सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ की जो जनसंख्या है वो वरदान है, वो अभिशाप नहीं है। दूसरी